ही गाइस, मैंने बालों में कॉम कर लिया है अब, क्योंकि अच्छे से हुआ नहीं है। ऑयल लगाऊंगी तब करूंगी। और मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था, और ये जो अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये सबसे पहले मैं लगाऊंगी। वीडियो जब एडिट करूंगी तो सबसे पहले मैं ये वाली क्लिप लगाऊंगी। और वीडियो आई थिंक मेरा कल से स्टार्ट है, तो सबसे पहले मैं ये क्लिप लगाऊंगी। आज मैंने एक वीडियो शूट मतलब वीडियो पब्लिश किया है, आप लोगों को पता है, अफवाहों के ऊपर मैंने किया था। तो कई सारे कमेंट्स आए हैं कि ऐसा वीडियो किसी ने डाला है क्या। और एक कमेंट आया मेरे पास, उनका नाम नहीं लूंगी, वो समझ जाएंगी। और दी, मैं आपको ही बोल रही हूँ, आपने बोला कि तुमने ऐसा कोई वीडियो देखा तो नहीं। तो आप एक बार सर्च करो कि रामायण में बाल निकला, कितने सारे आपको वीडियो निकल के आ जाएंगे। शायद उनमें एक दो वीडियो में शायद मैं गई भी हूँ, तो शायद आपको मेरा कमेंट भी दिख जाएगा, क्योंकि कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है, ठीक है ना। और मैंने देखा है, मैंने सुना है, तभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। अदरवाइज क्या मुझे भविष्यवाणी हो रही है कि ऐसा वहाँ पे हुआ है। और मैं लिंक नहीं दे सकती हूँ किसी का भी चैनल का, तो आप लोग खुद देखिए जाके कि मैंने किसी का वीडियो देखा है या नहीं देखा है। देखा है मैंने, फिर भी वहाँ पे कोई नेगेटिव कमेंट करके नहीं आई हूँ, क्योंकि शायद उन्होंने वीडियो अपने दिल से बनाया है, ऐसी बात नहीं है। बट मेरी एक रिक्वेस्ट थी और कुछ नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो समझना है वो समझिए। मुझे उस वाले वीडियो का कमेंट बॉक्स को मैंने वो कर दिया है, कोई कमेंट नहीं कर सकता। अभी अभी जस्ट मैंने किया है उस पे। तो चलिए गाइस, ये अब आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग देख लीजिए। बाय। ऐसे कौन लगाता है नेल पेंट भाई? उसको भी ले सेल्फी में। कह रहा सेल्फी में ले। क्या? नहीं, अभी रुक जाओ। दाव लगा दूं। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, नहीं गुड इवनिंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाला है, और मुझे नेल पेंट लग चुका है। मैंने जिन लगाया, देखो उल्टे सीधे लगाया, देखो। और ये वाला रह गया क्योंकि बाबू परेशान कर रहा था, इसलिए अब बाबू का लग रहा है। देखो आज नेल पेंट ही लग रहा है सबका, बाबू भी लगवाएगा अगर मैं लगाऊं, अब वो ना लगवाए। ये लिप कलर मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, पता है मुझे, आप लोगों का कमेंट आएगा कि ये लिप कलर अजीब है, पता है मुझे भी। ये एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ लेके आई थी, बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ के लिए, तो उसी में से जस्ट मैंने लगा के देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये देखो अब वो खुद लगाएगा नेल पेंट। तो बस चाय पानी हो चुका है, चाय वगैरह पी चुके हैं, इवनिंग का छत्ते से कपड़े लेके आना है मुझे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ब्लॉग स्टार्ट करना था मुझे, सो मैंने कर लिया है। मिलती हूँ आप लोगों से। दिखा दो बेटा, दिखा दो, दिखा दो, ऐसे दिखा दो मम्मा का। ओहो, कितने नेल पेंट लगा लिया, दैदू ने लगा दिया। अले बो कितने, हाथ दिखाओ, हाथ हाथ हाथ। अले बो, मेरे सोना बेटा है, नेल पेंट लगा लिया, ये बॉस है। अच्छा मामा को लगा दो। ओहो, डैडू ने लगा दिया, अब मम्मा को आप भी लगा दो। आलू एक है, दो ही उबालना, बड़ा वाला। बस कुकर में चढ़ाओगे? कुकर में? अच्छा। हे गाइस, तो आज बनाने जा रहे मनीष जी अभी आलू टिक्की, कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। हो सकता है तो न्यूज चल रहा है, प्लीज न्यूज का आवाज कम कर दिया, क्योंकि फिर आ जाती कॉपी क्लेम, इसलिए हटा दिया। और इसको देखो कैसे झुंगालू बाबा घूम रहा है। हे झुंगालू बाबा, हे किट्टू किट्टू। और एक ने कहा आपने गले में नहीं वेयर किया, तो मैंने कर लिया है। क्या हुआ? ये नेल पेंट का ढूंढ रहा है अभी भी, कि अभी भी डिप करने को दो और मैं लगाऊंगा। तो
हुआ शैतान है। और इस वाले ब्लॉग को जरूर देखिएगा, चाहे तो आप यहाँ तक स्किप कर दिए हैं तो कर दे, आगे मत करिएगा। आगे मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, मैं आज करूंगी या कल करूंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा अफवाह फैल रही है ना, इतनी ज्यादा अफवाह लोगों ने फैला रखा है। प्लीज अगर आप फैला रहे हैं ना तो अपने गांव घर तक ही सीमित रखिए, प्लीज सोशल मीडिया पे मत फैलाइए, रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि अभी कोरोना वायरस से ही हम लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं और एक नई नई चीजें रोज आ रही है अफवाहों के थ्रू, तो उस पर मुझे उस पर बात करना है। या तो मैं आज करूंगी या फिर कल करके ये वाला जो ब्लॉग है ये मैं पब्लिश कर दूंगी। तो चलिए आलू टिक्की कैसा बनता है नहीं बनता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि सॉस हमारे पास है रेड वाला और दही भी है और मसाला भी रेडी है, तो हमने सोचा चलो आलू टिक्की बना लो, क्योंकि ना भूख लग रही है और बाहर की चीजें अभी नहीं खाना है, अवॉइड करना है। आप लोग भी प्लीज अवॉइड करिएगा, और वैसे भी यूट्यूब पे एक से एक चीजें सर्च करो खाने पीने की, कुछ भी घर में बना लो, बट रीजन ये है ना अवेलेबल भी होनी चाहिए चीजें, और कुछ चीजें होती है कुछ नहीं होती है, तो कम से कम चीजों में ही अच्छी चीजें बन जाती है आलू टिक्की। हे गाइस, मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मंदिर, सच में इतनी दिक्कतें हो रही है ना, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ। अच्छा दे रही हूँ तो ना मैं बस ऐसे ही जस्ट ये पीछे पेपर लगा दिया है और वहां पे लगा दूंगी और नीचे भी छा दूंगी। चलिए फिर दिखाऊंगी फाइनल जब हो जाएगा ना तब, क्योंकि ना ऐसे डब्बा डुब्बी लगा हुआ था ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग बताइएगा मैं सही कर रही हूँ या नहीं। मुझे हल्की से दही दे दो और चम्मच। हे गाइस, लास्ट की रोटी है जिसको मैं बना रही हूँ, सेक रही हूँ। इससे पहले मैंने बनाया आलू का पराठा, वो दिखाऊंगी आप लोगों को। एक्चुअली मैं पहले ही सेक करती लेकिन ना डर लग रहा था कि बनेगा नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने सोचा शेयर नहीं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, लेकिन अच्छा बना है तो रोटी को मैं बिल्कुल अलग रखूंगी। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए पराठा आलू का, और वाकई में बहुत अच्छा बना है, ये देख सकते हैं, पता नहीं कैसे अच्छा बन गया है। और एक ने मुझे बताई थी एक दीदी कि ना एक दो बार ट्राई करोगी तो बन जाएगा, तो थैंक यू उनको बोलती हूँ। नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। क्या नाम है उनका, बस सुंदरा करके नाम है उनका, और बेंगलोर से हैं वो। तो ये देख सकते हैं पराठा वाकई में बहुत अच्छा, थैंक यू दी आपने मुझे बोला, अब मैंने ट्राई किया और बन गया। तो ये रोटी रख देती हूँ, इसको ढक देती हूँ, तो हमारा डिनर आज यही है, पराठा है और आलू गोभी की सब्जी जो मॉर्निंग में बनाई थी। तो चलिए मिलती हूँ आप। हे गाइस, आज टंकी साफ हो रही है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। बाबू को देखो बार बार वहीं भग रहा है, मैं इसको लेके नीचे ही जा रही हूँ, परेशान करेगा, साफ नहीं करने देगा। बहुत मिट्टी जमी हुई थी और इस टाइम पे जितनी साफ सफाई रखो। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 3 बजने वाला है, और मैं करूंगी बालों में कॉम, और मैंने एक वीडियो शूट किया था आज, उसके बाद फिर मैंने चेंज कर लिया और वीडियो मैंने पब्लिश भी कर दिया, क्योंकि मुझे करना था ये वाला ब्लॉग को ही एंड करना था और पब्लिश करना था, लेकिन मैंने ब्लॉग को एंड और पब्लिश नहीं किया, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बात थी जो कि कहनी थी आप लोगों से। तो होप कि आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अभी देख लीजिए। और दोनों सो रहे हैं, पापा बच्चा दोनों सो रहे हैं, और ये नेल पेंट देखिए कैसे लगाए थे कल, कैसे दिख रहा होगा ये, है ना, ये इसमें नहीं लगाए थे, बाबू परेशान करने लगा था इस वजह से। और इस टाइम पे सब कुछ खत्म है, मेरा फेस वॉश खत्म है, फेस पे क्रीम जो लगाती हूँ वो खत्म है, तो इस टाइम पे या तो खाने के लिए जोड़ लो या फिर मेकअप के लिए जोड़ लो।
आवाज थोड़ी सी कम भी आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मैं धीरे बोल रही हूँ, लेट भी नहीं लगाई हूँ। नहीं तो लेट में क्या होता है कि धीरे बोलो फिर भी आवाज जाती है। बाबू सो रहा है इस वजह से, तो बस इस टाइम यही हो रहा है, या तो खाने को जोड़ लो या फिर मेकअप करने को जोड़ लो। तो मेकअप के बिना चल सकता है लेकिन खाना जरूरी है, तो बस ये टाइम भी कट जाएगा। सबके साथ ऐसा है, एक मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ यही हो रहा है कि खाना बहुत जरूरी है। और वो भी अभी ऐसा हो रहा है ना कि मिलता भी नहीं, आज तो दुकान भी नहीं खुला है, पानी भी हमें लाना है, पानी भी खत्म नहीं है, अभी है आधा, फिर भी मैं मंगवा लेती हूँ। और दुकान भी नहीं खुला है और सब सो रहे हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद आती ही नहीं है इस टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं आती मुझे नींद। तो मैं अभी सोऊंगी नहीं, अपना जो कमेंट है उसका रिप्लाई करूंगी और अपने फ्रेंडों का वीडियो जो ब्लॉग वगैरह है वो वॉच करूंगी। मैं बहुतों का करती हूँ वॉच, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, करती हूँ। और एक दो कमेंट आता है कि आप लाइक नहीं करते हो, तो डियर मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं वीडियो देखने से पहले लाइक करती हूँ, वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करती हूँ। कमेंट पहले नहीं करती, लाइक पहले करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, कमेंट करते करते लास्ट हो जाता है, फिर भूल जाते, इस वजह से मैं पहले लाइक करती हूँ वीडियो को, क्योंकि लाइक मुझे करना। ऑब्वियसली जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरा वीडियो कोई लाइक करे, वैसे ही आप लोग सोचते होंगे ना। तो हमारे एक लाइक से आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि मुझे एक लाइक से मिलता है, वैसे ही आपको मिलता होगा। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं कर लेती हूँ कॉम। तो चलिए गाइस बाय। और आज डे है संडे, तो ये संडे में एंड कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये मंडे को मिलेगा देखने को। अभी इसको एडिट करना है, तो ये मैं कल पब्लिश करूंगी। बाय बाय।